आज है 25 नवंबर और समय सुबह के 9 बजे। आज मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूँ कि जब फ्यूज़ वायर बर्न होता है, मतलब जलता है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होने से या ओवरलोड होने से, तो मतलब कैसा दिखता है वो, मतलब कैसा लाइटिंग करता है, कैसे जलता है उसका मेटल या फिर जो फ्यूज है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको मैं सेटअप बता दूँ, ये फेज़ वायर आया, उसके बाद ये सीरीज़ में इसके फ्यूज़ है, उसके साथ ये सीरीज़ में ये छोटा सा बल्ब है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 8 वाट का, और ये एक इंडिकेटर है। मतलब ये इंडिकेटर तब जलेगा जब फ्यूज़ वायर बर्न होगा, मतलब अभी ओपन है फ्यूज़, तो अभी अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी दूँ तो ये जलेगा, और अगर फ्यूज़ अगर काम कर रहा है तो ये नहीं जलेगा। तो ये बस इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करने के लिए कि फ्यूज़ बर्न हो चुका है या फिर मतलब अभी ठीक ही है। अब मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है और आप देख रहे हैं ये ग्लो कर रहा है, जबकि इसका मतलब ये ओपन है। यहाँ पे अभी मतलब कोई फ्यूज़ वायर नहीं है, ये ओपन है, जिसकी वजह से इंडिकेटर जल रहा है और ये लाइट भी बंद है। अगर मैं इसमें फ्यूज़ वायर मतलब जैसे कि ये दिखा दूँ, ये एक पे अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ, यहाँ से जो बल्ब जलता है ओपन है, मतलब ये जल रहा है। अगर मैं इसे सटाऊँ तो ये जलेगा, तो मतलब ये ओपन है, फ्यूज़ नहीं है इसमें। अभी हम उसमें फ्यूज़ लगाएंगे और फिर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करके देखेंगे कि जब यहाँ शॉर्ट सर्किट करते हैं तो मतलब ये फ्यूज़ वायर कैसे बर्न होता है। अब मैंने इसमें एक कॉपर वायर लगाया, मतलब कॉपर वायर लगाया है। ये वायर जो है मतलब करीब करीब 900 वाट का लोड सह सकता है। मैंने इसे टेस्ट किया, पहले ही टेस्ट करके रखा है, आपको बता दूँ ये 900 वाट का लोड सह सकता है। अब देखिए ज़रा, अगर अगर इसको यहाँ से शॉर्ट सर्किट किया जाए तो मतलब ये कैसे बर्न होता है। मैं दूर हट जाता हूँ भाई। ये रहा मेरा टेस्टर, पिचकस जो भी है। वाह, तो देखा आपने, ये कॉपर वायर था, अगर मैं इसे शॉर्ट किया मतलब ये जल गया और यहाँ पे इंडिकेटर ब्लो हुआ। अब मैंने इसमें एक एल्युमिनियम का वायर लगाया है, मतलब एल्युमिनियम का वायर है और ये लगभग 500 लोड मतलब 500 वाट का लोड से आ सकता है। अब इसको शॉर्ट करके देखते हैं ये कितना ज़्यादा लाइटनिंग करता है। वैसे मैं बता दूं कि एल्युमिनियम मतलब फ्लेम के साथ बर्न करता है, अगर वो बर्न करता है तो, इसीलिए इसका पाउडर जो है पटाखे में, पटाखे जो बनाए जाते हैं तो उसमें एल्युमिनियम का पाउडर यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो वो बर्न होता है ना तो बहुत ज़्यादा लाइट होता है। इसके हिसाब से इसको जो है सो कॉपर से ज़्यादा लाइट करना चाहिए। मतलब देख लेते हैं अभी कितना लाइट करता है। ये रहा बल्ब और ये रहा पेचकस। वो आपने देखा है, ये हल्का सा कॉपर से ज़्यादा लाइट किया। भाई लोग, जाते जाते ये बता दूँ, ये सारा मतलब एक्सपेरिमेंट जो है सो बड़ा सेफली किया गया है, बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं, इसलिए अपने घरों में ना करें, क्योंकि इससे कुछ भी हो सकता है। आपने देखा कितना ज़्यादा स्पार्क करता है, और अपने घरों में अगर फ्यूज़ लगाए हैं तो मतलब फ्यूज़ सही मतलब सही लोड के हिसाब से फ्यूज़ लगाएं, इससे आपका सर्किट बचा रहता है। यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ जो है फ्यूज़ जल गया, जिससे मतलब आपका सर्किट बच जाता है। और मेरा नाम है उत्सव, आपका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।